सो गाइज वेलकम टू बिजनेस रेस्ट। क्या आप स्टार्टअप करना चाहते हो? तो भाई रुक जाओ, अभी मत करना, मेरा ये वीडियो देख लो, उसके बाद में स्टार्टअप करने की जाना। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपका दोस्त और आपका भाई ये बताने वाला हूँ कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यार, तो वो पूछने बहुत जरूरी है आप अपना स्टार्टअप करने से पहले। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है कि चल भाई बता फटाफट कि कौन से क्वेश्चन मैं पूछूं अपने स्टार्टअप करने से पहले, तो ये वीडियो आपका है और वीडियो के साथ में बने रहना। सो हाय गाइस, मायसेल्फ विराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, योर फ्रेंड साइनिंग इन बिजनेस रेस्ट। स्क्रीन और आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। वो है ये रहा, व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन योर कॉम्पिटिटर। देखो आप कोई ना तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, बस अपने मजे के लिए या फैशन के लिए अगर कोई प्रोडक्ट निकाले हो ना, तो भाई वो ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि लोग अपने प्रॉब्लम्स के लिए पैसा देते हैं। प्रॉब्लम्स होना चाहिए या तो फिर उनका कोई एस्पिरेशन हाई सेट करना होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हुए, ये सब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, वो एस्पिरेशन को हाई सेट कर रहे। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई अपना जो अपने जो स्टार्टअप करने जा रहे हो वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्लस अभी तक वो कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्या आपके प्रोडक्ट के अलावा, तो वो कॉम्पिटिटर्स को भी देखो आप, समझे। ये पॉइंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पते होने चाहिए और उसका एनालिसिस करके आना चाहिए आपको कि कॉम्पिटिटर्स कौन सा प्रोडक्ट निकाल रहा है, कौन से प्राइस रेंज पे निकाल रहा है, कॉम्पिटिटर कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपको सब पता होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर वन, जो कि आपको अपने अपने आप से पूछना है कि मेरा कॉम्पिटिटर है कौन और मैं अपने कॉम्पिटिटर से अलग क्या ऑफर कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, वो है मोनोपोली और यूएसपी और एंट्री बैरियर्स एंड एंट्री बैरियर्स। देखो मोनोपोली बनाने को देखो, अगर आप अपने बिजनेस में मोनोपोली बना पाते हो ना, तो आपका एंट्री बैरियर तो वैसे ही क्रिएट हो जाता है। और अगर आपके अंदर कोई बिजनेस में मोनोपोली बनाने का कोई वो नहीं है, गुण नहीं है, तो आप अपना यूएसपी बनाने की कोशिश करो। यूएसपी मतलब क्या, कोई एक ऐसा डिफरेंशिएटर फैक्टर बनाओ अपने बिजनेस में कि वो जो फैक्टर आप बनाओगे ना, उसी के नाम से आपके बिजनेस को जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पतंजलि ले लो, पतंजलि क्या आयुर्वेदा के ऊपर काम करता है, तो आयुर्वेदा उसका क्या हुआ, यूएसपी हुआ, समझे। तो ऐसे कोलगेट ने भी आया, बहुत सारे लोग आए अपने आयुर्वेदा को, आयुर्वेदा का सेक्शन ट्राई करने के लिए, बट पतंजलि का एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है यूएसपी, क्योंकि वो रामदेव बाबा उसको प्रमोट करता है। सो वैसे ही आप अपना देखो कि यूएसपी क्या है मेरे अंदर, और जब यूएसपी मिल जाएगा तो एंट्री बैरियर ढूंढो कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो कॉम्पिटिटर्स कर सकता है ना भाई। कॉम्पिटिटर्स के पास आपसे कई गुना ज्यादा पैसा है, उसके पास इन्वेस्टर्स है, उसके पास कनेक्शन है, उसके पास कस्टमर्स है, तो वो तुमसे तुम्हें आराम से चुटकी बजाते मसल सकते हैं। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के जाल से कैसे बचूंगा, एंट्री बैरियर क्रिएट करना आना चाहिए। तो नहीं आता है तो ढूंढो हाउ टू क्रिएट एंट्री बैरियर। चलो आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपको पूछना है अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, वो है आपका बिजनेस प्लान रेडी है क्या। देखो आपका बिजनेस प्लान, बहुत सारे बिजनेसेस को मैंने देखा है और देखा है, उनका कोई बिजनेस प्लान ऑन पेपर रेडी है ही नहीं यार, बस वो लोग हवा में बिजनेस कर रहे हैं अपना, हाँ ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये हमारे टारगेट कस्टमर, उनको मुंह जवानी याद है, बट उनका कोई प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं है कि हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा, हमारा प्रॉफिट कहाँ से होगा, हमारे कस्टमर्स क्या होंगे। तो ये भाई बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर रहे हो। तो आप स्टार्टअप कर रहे हो तो पहले से ही वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज चलो, ओके। सो बिजनेस प्लान रेडी करो अपना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे, फाइनेंसेस, रेवेन्यू सोर्सेस, सब कुछ अच्छे से प्लान करके चलना। तो स्टार्टअप को अच्छे से पढ़े लिखे जैसा स्टार्टअप करना, ऐसे नहीं गाउटी जैसा स्टार्टअप कर रहे हो, ओके। सो आप मेरे चैनल पे हो तो आप पढ़े लिखे बंदे हो। तो चलो यार फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो है कैन योर बिजनेस सस्टेन फॉर नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। देखो हिस्ट्री और फैक्ट में ये बताता हूँ, आगे के 5 साल में ना, मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर्स रहते हैं ना बिजनेस के, वो उसमें 90% स्टार्टअप फेल होते हैं। भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ। तो अगर आपको वो टॉप 10% में आना है, तो हर हमेशा अपना ये एनालिसिस करो कि मेरा बिजनेस आगे के 10 और 20 साल तक चल सकता है कि नहीं। अभी कितना जल्दी टेक्नोलॉजिकल बदल रहा है, सब कुछ कितना जल्दी बदल रहा है। तो अगर आप ये एनालिसिस कर पा रहे हो कि मेरा जो बिजनेस है आगे 10 साल 20 साल में सस्टेन रहेगा और रेलेवेंट रहेगा, तो वो बिजनेस आपका है। तो अगर नहीं कर पा रहे तो भाई प्लीज कॉशियस हो जाओ, वो बिजनेस आइडिया को ड्रॉप करना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको, आया तो लाइक कर देना। और चलो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन के ऊपर, वो है आपका टीम। देखो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मानोगे नहीं, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है ना, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को मालूम है टीम कितना इंपॉर्टेंट है। कितने बार आपको बोला है कि यू आर नॉट योर मेकिंग योर बिजनेस पावरफुल, योर टीम इज मेकिंग योर बिजनेस पावरफुल। समझ में आया आप लोगों को कि भाई आपका टीम अगर स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल का बनेगा। भाई मेरा बात मानो, टीम को अच्छा करो, टीम पे इन्वेस्ट करो, टीम एम्प्लॉयज हायर करो, जितना हो सके अच्छी क्वालिटीज के एम्प्लॉय हायर करो, और कम पे के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि कम पे वाला कम पे वैल्यू ऑफर करेगा और काम चोरी करेगा। समझ में आया आपको।
तो गाइज मैंने आपको 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अभी इस वीडियो में कि स्टार्टअप करने से पहले ये 5 क्वेश्चन अपने आप से पूछो, एज एन फाउंडर अपने आप से सच बोलो करो, समझे। टीम को एड़ा बनाते हो कि हाँ चलो ठीक है, अभी वी विल डू रन फास्ट, ब्रेक थिंग्स, ये सब आप करते हो ठीक है, वो सब मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मोटिवेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा झूठ बोलोगे तो चलेगा, बट एज एन फाउंडर अपने आप को सच पता होना चाहिए। तो ये था बहुत ही शानदार वीडियो। इफ यू वर्क फॉर द मनी द सर्विस विच विल यू गिव विल हैव द टेस्ट ऑफ सेल्फिशनेस। प्रॉफिट इज अ आउटकम नॉट मिशन। देखो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट के पैसे के पीछे मत भागना, कोई वैल्यू क्रिएट करने के पीछे भागो, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे भागो। और अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस बिजनेस या स्टार्टअप वगैरह में आए हो ना, तो आप अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट ऑफर भी करोगे ना, तो वो प्रोडक्ट के अंदर टेस्ट ऑफ सेल्फिशनेस रहेगा, तो वो अच्छा वाइब नहीं आएगा। तो अच्छे इंटेंशन के साथ बिजनेस करना, और यही इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। मैं सिर्फ फिर आने आ जाओ, साइनिंग ऑफ बिजनेस सेस्ट।